मेरा आज से पहले का जो जीवन रहा है एक साधारण महिला की तरह ही रहा है। जैसे हमारे घर में पशु है, खेती बाड़ी है और हमारे परिवार हैं। मेरी मतलब सारी ज़िंदगी इसी में ही उलझी रह चुकी थी। मैंने कभी अपने बारे में कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि मैं कुछ करूँगी, मतलब इन सब को सोचने का कोई टाइम ही नहीं मिला मुझे। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है और मैं ग्राम पंचायत करगानों में PRICBO कन्वर्जेंस के अंतर्गत LRG के रूप में कार्य कर रही हूँ। मार्च 2022 में हमारे पास कुटुंब श्री केरला से एक टीम आई थी जो हमारे लिए एक प्रोजेक्ट लेके आई थी PRICBO कन्वर्जेंस। तो हम भी SEG में जुड़े हुए थे और हमने भी उनकी मीटिंग अटेंड की। तो जब हमने उनकी बातें सुनी तो कुछ अंदर ऐसा महसूस हुआ कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी कहानी हमें बताई। तो हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं, जब ये कुछ कर रहे हैं, ये इतनी दूर से इधर आ रहे हैं, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं। PRICBO कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट में जुड़ने के बाद जब मुझे LRG का पद मिला तो हम लोगों को ऐसी ऐसी जगह गए जहाँ लोग महिलाएं बिल्कुल भी पंचायत का मतलब जिन्होंने दरवाज़ा तक नहीं देखा था, और उन महिलाओं के पास गए, उनसे उनकी बातचीत की, हंस बोल के, पर्सनल बात उनसे मतलब मिलजुल के उनसे उनकी सारी बातें उनसे निकाली। तो महिलाओं ने हमसे खुल के बात करना शुरू किया। उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, ये हमारे लिए एक सहेली बन के आई है और ये हमारे लिए कुछ करेगी। मतलब मैं खुद में अपने आप में इतना बदलाव समझती हूँ कि आज मैं 100 लोगों के आगे बात करने के काबिल हो चुकी हूँ। जहाँ मैं आपको अपनी रियल लाइफ बताती हूँ कि मैं लोगों के सामने खाना भी नहीं खाती थी, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा शर्म। आज मैं किसी भी विभाग के, किसी भी, आप बोलो, मैं MLA के पास भी जाके आमने सामने अपनी बात खुल के रख सकती हूँ। महिलाओं को भी, सभी महिलाओं का ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना। आप अगर कुछ ठानते हो तो आप उसको कर भी सकते हो। घर तक ही, अब हर महिला घर तक काम करती है, सब कुछ वहीं छोड़ देती है, बच्चे परिवार में सब कुछ भूल जाती है, पर थोड़ा वक्त अपने लिए भी देना चाहिए।